राज्य कितने हैं? 28। उसमें हर राज्य में एक तालुक ले लो तो 500-600 तालुक हो सकते हैं। हाँ, इन आसपास के गांवों में आप जाके देखना, हम लोग साल में इनको राशन देते हैं, 6 बार कपड़े देते हैं, कहीं कहीं चीज़ें देते हैं, आप लोग देखते हो, तो इन लोगों को थोड़ी सुविधा मिलती है। बाकी सुविधा के लिए सरकार के पास दारू देने के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ का सरकार तमिलनाडु का एक वर्ष में दारू में नफा 50,000 करोड़ कमा रहा है। कितना? 50,000 करोड़। अगर ये अंबानी जी महाराज जो थे, ये 500 तालुक में एक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिर्फ 1 करोड़ में बना लेते। कितने में? 1 करोड़। तो 500 करोड़ में तो पूरे भारत में हर जगह हेल्थ सेंटर हो सकते थे। 5,000 करोड़ खर्चने की जरूरत नहीं थी। 5,000 तू बेटे पर ही कर और 500 लगा लेता, भले ही नाम लगा ले, तेरा स्टिकर चेप ले, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन जब भी आपके जीवन में कोई शुभ काम करो, वो शुभ काम किसी गरीब के लिए एक अंश बन के जाए, इतना विचार करो। अगर 10 लाख की शादी कर रहे हो, 10,000 गायों के लिए घास डालने के लिए निकालो, आपका जीवन सफल होगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ की शादी देख के निंदा क्यों करते हो। किसी की भी गलत आदमी की भी निंदा करोगे तो उसकी गलती की सफाई नहीं कर रहे हो, निंदा से अपना पाप कर्म बना रहे हो। हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, उधर से शिक्षा लेनी है। आज आप लोग मेरे से शिक्षा लेके जाओ, मेरे घर में कोई शुभ काम होगा उसमें एक छोटा सा एक बोरा जितना अगर चावल मेरा खर्च होगा तो एक मुट्ठी जितना तो अच्छे काम में मेरा जाएगा। वो भाव रखिए आप। जय गुरुदेव। कितने बड़े बड़े लोगों को बुला लिए, देखिए कौन नहीं गया होगा। बड़ा आदमी, हाँ, बड़े आदमी की शादी, बड़े आदमियों का जमावड़ा, लेकिन इसमें संसार में किसी को क्या मिला है। तो आपको भी ये ध्यान रखने जैसा, आपको उनकी निंदा करते समय मैं एक बात मन में सोचा, हर जगह इसके बारे में चर्चा चल रही है लेकिन एक बात कोई नहीं सोच रहे, वो 5,000 करोड़ की खर्चा करके शादी किया। हम भी 5 लाख 50 लाख खर्च करके शादी करते हैं, हमने कौन सा अच्छा काम कर लिया अपने घर के शुभ काम में? सही बात है। सत्य बात। आप कब किसी, आप वो 5,000 करोड़ का किया, आप 5 लाख का तो करते हो? बात जीरो कितनी है उसकी नहीं है, मन कैसा है इसका है। आप ये ध्यान रखिए, आगे से आपके घर में कोई अच्छा काम हो तो शास्त्र जिन जिन को बोलता है, 4 गरीब 4 गाय और 4 अनाश्रित लोगों के लिए आपकी सेवा हो। अगर 11 लोगों को रोटी डाल के भी आपकी बेटी की कन्यादान करते हो तो ये कन्यादान में इंद्रादि देवता पुष्प की वर्षा करेंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। जय गुरुदेव। हाँ, हमारे में ये शुभ भाव भी तो आना चाहिए, ये उत्तम भाव भी तो आना चाहिए। हमने सुना भी था कि जितने गए सबको 2-2 करोड़ की घड़ी पहना दी गई, आपने सुना? आपको दूसरा काम नहीं लगता है, रिटर्न गिफ्ट। क्या रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट 2 करोड़। आपके मन में लगता है अगर कि मुझे भी बुलावा आता तो कितना आनंद आता, तो आप हलकट हो। फिर ऊंचा आदमी कैसे बनेगा महाराज? मैं भी ऐसी शादी करूं, उस शादी में संसार के जरूरतमंदों के लिए सेवा करूं, ये भाव आवे तो ही आप ऊंचे लोग हो। जय गुरुदेव। सत्य वचन बोले। आपको तो उल्टा सोचना। देखो, एक इंटरव्यू हुई, एक इंटरव्यू में कई लोग लाइन में थे, जिसको मना कर दिया गया उसको कहा गया, वेरी सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, क्षमा चाहते हैं आपका चयन नहीं हुआ। तो तुरंत उसने बोला, क्या करें साहब, मेरा भाग्य ही ऐसा है, कोई बात नहीं। आप यही तो बोलोगे? बोलो, आपको कोई मना कर दे इंटरव्यू में, आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे? मेरा तकदीर ही ऐसा है, क्या करूं? सोचोगे कि नहीं, हाँ या ना? बोलो, ऐसे करो या ऐसे करो। जो दूसरा आदमी था उसके नीचे, तो उसको भी इंटरव्यू में बुला करके बोला गया कि सॉरी, आप चयनित नहीं हुए हैं, आई वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म दिस, यू आर नॉट सेलेक्टेड। तुरंत उसने बोला,
आपके भाग्य ही खराब है जो मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। जय हो। तुरंत ऑफिसर आश्चर्य में पड़ गया कि ये मेरे भाग्य को कमजोर कर रहा है, यानी इसकी कितनी आत्मविश्वास होगी। तुरंत ऑफिसर ने बोला, इंटरव्यू स्टॉप एंड यू आर सेलेक्टेड। जय हो, जय गुरुदेव। कभी जीवन में आपके कोई अवसर छिन जाए, जीवन में आपके पास कोई तकलीफ आ जाए, तो आज से ये फार्मूला अपनाओ, सामने वाले का तकदीर खोटा है जो मुझे पसंद नहीं कर पा रहा, ये सोचना शुरू करो। सामने वाले के तकदीर में नहीं है जो मुझे पा नहीं सकता, ये अपने आप को सदा नंबर वन सोचने की हर दम आदत रखो कि मेरे लायक का आदमी अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो वो नालायक है, मैं नालायक नहीं हूं, ये सोच आना चाहिए जीवन में। देखो, दो लोगों में एक ने तो कह दिया मेरा भाग्य ही फूटा साहब, मैं जाता हूं, दूसरे वाले ने कह दिया तेरा भाग्य फूटा जो मुझे नहीं सुन पा रहा है। ये जब मनस्थिति बदलेगी, मेंटालिटी बदलेगी, अपने बारे में खुद अच्छा सोचना शुरू करोगे, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा अपने आप, होगा कि नहीं जी गोपी। हम खुद को बहुत कमजोर सोचते हैं कि नहीं, आप ही सोचो मेरे बच्चों, पीछे एकदम लास्ट में बैठे हुए आपको मेरा आवाज आ रहा है तो बोलो, हम खुद को कमजोर सोचते हैं कि नहीं? अपने आप को अगर मजबूत बना पाओ या नहीं, मैं एक बात कहता हूं, मजबूत बन जाओ, जो कृष्णगिरी आता है वो कमजोर नहीं हो सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये बात पकड़ के चलो। देखो कहां कहां से आए भाई, दो तीन दिन तो सफर का ही लगता है कि नहीं मेरे बच्चों? लगता है गुरुदेव। हाँ जी, लगता है। आप बोलो, आप कभी बिना काम तीन तीन दिन जाने, तीन तीन दिन आने कहीं बिताते हो क्या? आप ये मत बोलना कि माँ की भक्ति आ गई इसलिए आए, उसकी कृपा और अनुमति के बगैर कोई नहीं आ सकता। जब वो इतनी कृपा करके हम तो हमको यहाँ तक पहुँचा दी और बैठा दी और यहाँ लेके आ गई है, तो इतना तो सोचो कि आज तक आपने ऐसा कोई आदमी देखा क्या? आप सोचो, मैं एक बात पूछता हूँ, आप ऐसा आदमी देखा क्या जो होटल गया हो, अंदर बैठ के बगैर खाए आया हो, खा के फिर चक्की पीस के आया हो? वो तो पक्का है, बिना पैसे का खा लिया और चक्की पीस के आया, ये तो देखा होगा। गए ने नहीं खाए ऐसा कोई देखा क्या? हाँ नहीं देखा। होटल गया खाए बगैर आया, ऐसे किसी को देखा क्या? नहीं। अरे होटल जाने के बाद भी बगैर पेट भरे कोई नहीं आ सकता, तो भगवती के चरण में आके कोई खाली कैसे जाएगा महाराज? ये तो बताओ, ये तो बताओ, कभी कोई खाली नहीं जाएगा। अगर खाली जाता है तो अपनी बुद्धि से जाएगा, अगर बुद्धि माँ के चरण में रखेगा तो ऐसी कोई माँ नहीं है। गरीब से गरीब माँ के घर में भी पियर जाती है जब बेटी, तो उसके पास सत्तू का आटा है तो वो भी गोद में भर के भेजती है, खाली नहीं भेजेगी। अगर आपकी एक गरीब माँ भी आपका गोद भर के भेजती है तो दुनिया की माँ क्या नहीं दे के भेजेगी, ये सोचने जैसी बात है महाराज। ये पूरी दुनिया की माँ के पास आए हो। हम कहते हैं जगत जननी, क्या कहते हैं? जगत याने क्या? दुनिया। जननी याने क्या? माँ। कोई भी बेटी पियर से खाली आई क्या? कई होशियार बेटियां हैं, वो देते हैं उससे भी ज्यादा, खुद भी भर के ले आती है, वो अलग बात। हाँ वो तो देते ही हैं, फिर कहती है हमारे गांव में तुराई नहीं मिलता है, करेला नहीं मिलता, यही ले जाती हूँ मैं तो, और चार साथ में डाल के लाने वाली है कि छोड़ने वाली है? माँ तो जितना देगी देगी, लेकिन ये माँ के चरण खुरेद के और भी ले जाने वाली है, कोई छोड़ने वाली थोड़ी। सत्योचर। तो ऐसे माँ के चरण में हम आए मेरे बच्चों, आपको एक ही चीज की जरूरत है, न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम, ना तो मंत्र जानू माँ, ये तो ज्ञानियों की बातें हैं। एक माँ के तीन बेटे, एक टीचर, क्या टीचर? वो क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, A to Z सब जानते हैं। दूसरा बेटा किसान, बोलना तो नहीं जानता लेकिन शरीर से कुदाली उठाता है तो जमीन खोद के रहता है। तीसरा खाली बेटा है। अब बाप की बारी आई तीनों की पूंजी की पांती करने की, तीनों का बंटवारा करने का।
टीचर के हिसाब से बंटवारा, किसान के हिसाब से बंटवारा, निकम्मे के हिसाब से बंटवारा होगा कि बाप का बेटा है उसका बंटवारा होगा? बाप का बेटा है। हाँ, बाप का बेटा। तो इतना ध्यान रख लो, आपको मेरे को कितना मंत्र आता है, मैंने कितना व्रत किया, मैं कितनी पूजा करता हूँ, कितनी श्रद्धा करता हूँ, कितनी भक्ति है, ये सब सोचना छोड़ के मैं माँ का बेटा हूँ या नहीं ये सोचना शुरू करो। जय हो, जय गुरुदेव। अगर माँ के बेटे पक्के हो तो पूंजी में बंटवारे में आपका भी नंबर है, गारंटी है। जय गुरुदेव।